हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे केमिस्ट्री क्लास वी विल कंटिन्यू द यस्टरडे टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वन इज द ग्राफ मेथड विच वी सी in this case। Okay, now we will see the zero order reaction, we saw the zero order reaction how changes with the rate, and first order reaction, then we will see the second order and third order reaction। Okay, in case of सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हियर इज द रेट, हियर इज कंसेंट्रेशन and square of the concentration or second order square, graph will be straight। For the third order reaction, concentration will be triple, concentration Q, and here will be rate, then graph will be also straight। Okay, in both cases rate of reaction is directly proportional to what? Concentration, note down। Then we will see the next method, that is the initial rate method। Initial rate method is what we will see here, second method of determination of rate, when there are more than one reactant, initial rate method। Initial means फर्स्ट कंसंट्रेशन। इनिशियल रेट मैथड इज यूज वेयर देयर आर नंबर ऑफ रिएक्टेंट, एंड इन सच केस वी कंपेयर द चेंज इन कंसंट्रेशन विद द टाइम। ओके, तो इस इनिशियल रेट मैथड का यूज तब किया जाता है जब रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो। ऐसे केस में हम कंपेयर करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद द टाइम। टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसके बेस पर हम देखते हैं। और यहाँ पे एक बार में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर पाते हैं। एक को कांस्टेंट मानेंगे तो एक का ऑर्डर निकालेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे तो पहले का ऑर्डर निकालेंगे। तो इनिशियल रेट मेथड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट की संख्या ज़्यादा हो, और उस कंडीशन में हम कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ऐसे केस में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का ही हम ऑर्डर डिटरमाइन कर पाते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान करके, जहाँ पे देखते हैं कि टाइम के साथ एक का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डबल हो जा रहा है या हाफ हो जा रहा है या ट्रिपल हो जा रहा है, तो एक के कंसंट्रेशन को हम जो है कि कांस्टेंट कर लेंगे, दूसरे के कंसंट्रेशन को लेते जाएंगे, फिर देखेंगे कि दूसरे का कंसंट्रेशन कहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम पहले का निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी।
तो हमें इसे कहाँ यूज करना है, दिस मेथड इज यूज, दिस मेथड मेथड इज यूज्ड इन सच केस इज वेयर वेयर रिएक्टेंट्स आर मोर देन वन आर टू, इन सच केस वी कंपेयर द इनिशियल कंसंट्रेशंस सीयर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स देन determine the order of reaction. Okay, in such case only, in such case where reactants are more than one, in such case at a particular time, order of only a particular substance can be determined. Okay, ऐसे केस में हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का ही रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर पाते हैं। अब अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हमें किसी एक के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान करके और उसमें हम टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे कि एक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन श्योरली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से ये देखेंगे कि किस तरह से एक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानेंगे और एक को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, केवल यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम करेंगे, मगर पहले ये मेथड कैसे यूज़ करेंगे उसको जानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रिएक्शन है, 2A+B गिव्स सम प्रोडक्ट C+B। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बिना एक्सपेरिमेंट के पता नहीं लगने वाला, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम ये डिटरमाइन करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेरिमेंट नंबर और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल पर लीटर एंड इनिशियल रेट
इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, फॉर्मेशन ऑफ डी और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, कोई एक हम यहाँ पे लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 0.1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ए, 0.1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड द इनिशियल रेट इज द 6.0 × 10⁻³। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर टू, एक्सपेरिमेंट नंबर टू क्या है, 0.3 इज कंसंट्रेशन, 0.2 एंड रेट इज 7.2 × 10⁻³। इन थर्ड एक्सपेरिमेंट 0.3 एंड 0.4 here is 2.88 × 10⁻³ and fourth is 0.4 and 2.4 × 10⁻³ here is −2, −1 and −2। अब यहाँ पे हमें ए का अगर पता करना है तो देखेंगे कि बी कहाँ पे कांस्टेंट रेट है, और अगर हमें बी का पता लगाना है तो देखेंगे ए कहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर जैसे हमें बी का पता लगाना है तो एक्सपेरिमेंट नंबर टू एंड थ्री में ए का रेट, ए कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट मान करके इसका निकालेंगे, ये कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 हो गया, ठीक है, जस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो अगर ये डबल हो रहा है तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन रेट क्या हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, वो हम आगे अभी बताएंगे फार्मूले के साथ। और अगर हमें ए का निकालना है तो हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर वन और एक्सपेरिमेंट नंबर फोर में बी का कंसंट्रेशन क्या है, वो सेम है, तो अब हम बी को वहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे और ए में जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ए के कंसंट्रेशन में, तो उस रेट को हम वहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इनिशियल रेट मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में दोनों के कंसंट्रेशन को कंपेयर करेंगे। अगर किसी एक का हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है तो किसी एक के कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कांस्टेंट मानने के लिए हम देखेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट में किसका जो है कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ वो कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरे के कंसंट्रेशन को हम लेकर के उसका ऑर्डर हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल रेट मेथड होता है जिससे कि हम ऑर्डर डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, नोट डाउन, अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में अगली क्लास में करेंगे, पहले अभी हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, हमारा जो अगला मेथड है उसको देखेंगे। अगला मेथड हमारा है इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, जो कि बहुत सिंपल है, सबसे कन्वीनियंट मेथड है। थर्ड हमारा जो मेथड है इंटीग्रेटेड ग्रेटेड
रेट लॉ मेथड इट इज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट convenient method to determine to determine my order of reaction ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता करना सबसे अच्छा मेथड है हमारा जो है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड ठीक है। और जो कि हम लोग फॉर जीरो ऑर्डर हमें दो ही पढ़ना है फॉर जीरो ऑर्डर अगर देखना है जीरो ऑर्डर तो ये हमारा है आर नॉट केस इक्वल टू R naught minus R upon T for first order K is equal to 2.303 upon T log initial concentration upon final concentration। तो इस तरह से हम जो है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिटरमाइन कर लेते हैं ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन कैसा है और सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन कैसा है क्या चेंजेज आ रहे हैं तो उससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लग सकता है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे किन किन चीज़ों पे टेम्परेचर के कारण क्या क्या चेंजेज आते होंगे ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डेट यहाँ पे 30 होंगे टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओके टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ये किस तरह से टेम्परेचर के कारण रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। कोई भी रिएक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब तक रिएक्टेंट कोलाइड नहीं करते हैं परफेक्टली उनके बीच पुराना बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड नहीं बनता तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है यानी उसके लिए इफेक्टिव कोलिजन भी चाहिए परफेक्ट ओरिएंटेशन भी चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे किस तरह से टेम्परेचर के साथ साथ इसका वेरिएशन होता है ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला है इसमें इस टॉपिक के अंदर हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या है कि जो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट होता है कि भी किसी भी दो टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, और यहाँ पे एक लाइन देंगे, दिस टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ टू रिएक्शंस डिफर बाई डिफर बाई 10 degrees, देन कोफिशिएंट बिकम 2 to 3 times, कोफिशिएंट बिकम 2 to 2 or 3 times, हर 10 degrees वेर डिफरेंस पर, हर 10 degrees डिफरेंस पर जो कोफिशिएंट हो जाता है वो 2 to 3 times हो जाता है, ठीक है, दोगुना या तिगुना हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट एट टी, ओके। तो इतनी डिग्री पे, और ऐसे कंडीशन में जहाँ पे डिफरेंस 10 degrees का होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो डबल एंड ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, टेम्परेचर कोफिशिएंट कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 2 and 3, दोगुने और तिगुने के बीच में होता है। तो ये होता है टेम्परेचर डिफिशिएंट डिपेंडेंस, कि अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो रेशियो होता है किसका होता है, रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है उनका रेशियो होता है हर, जबकि टेम्परेचर जब दो रिएक्शन के टेम्परेचर का डिफरेंस 10 degrees हो तो उस कंडीशन में जो रेट कोफिशिएंट है 2 and 3 के बीच में वैरी करता है, 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। फार्मूला यहाँ पे हमने देख लिया टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो रेट कांस्टेंट तब जबकि टेम्परेचर में 10 degrees इंक्रीज किया है, और रेट कांस्टेंट तब जबकि 10 degrees टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टॉपिक टेम्परेचर डिफिशियंस के बीच में वो है कोलिजन फ्रिक्वेंसी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कोलिजन फ्रिक्वेंसी।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, जिसको हम जेड से कहते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर टाइम में कितना जो है, पर यूनिट टाइम में कितना कोलिजन होता है उसको बताता है। इट इज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम। ये हम लिख सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम। ओके, किसी भी गिवन वॉल्यूम में, किसी गिवन यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं। देखिए, जब तक रिएक्शन, अगर कोलिजन नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी, तब तक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला नहीं। अब कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कुल कितना कोलिजन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में गिवन कोई जो पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम के अंदर, वो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। अब ढेर सारे मॉलिक्यूल है, कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन वो कोलिजन जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए वो हमारा इफेक्टिव कोलिजन होता है। 100 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, उसमें से कितने मॉलिक्यूल जो है कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए वो इफेक्टिव कोलिजन है, उनके कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। यानी दोज कोलिजन्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में जो कोलिजन हेल्पफुल हुआ उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। द कोलिजन विच द कोलिजन विच रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। मॉलिक्यूल तो ढेर सारे टकरा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने मॉलिक्यूल टकराने के बाद जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए वो हमारा क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हमारी फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव कोलिजन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एफ इंटू जेड, वेयर जेड इज द फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन एंड जेड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता करना है तो हम यहाँ से पता, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एफ इंटू जेड। जेड क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। एक तो कितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हुए और प्लस कितने ऐसे कोलिजन हुए, कितना फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ऐसा हुआ जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया,
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एक लास्ट टॉपिक इसमें हम देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी होती है जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी The minimum energy that required by a reactant molecules to convert into product is known as threshold energy. Threshold energy. Okay, कहीं ये भी दिया होगा कि वो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जिस पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने इतना जान लिया, कल हम लोग एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जानेंगे और आरहेनियस इक्वेशन जानेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का चल रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं फिर।